खुदा को उसकी हकीकत के एतबार से जैसे उसकी सिफात है वैसे तस्लीम करो, तभी तुम्हारा ईमान है। ना वो मजबूर है, ना वो जालिम है, ना वो किसी ऐब का मुर्तकिब है, ना ही वो रिश्तेदारी रखता है, ना ही वो जमान व मकान का कहीं मुहीत है कि किसी जगह पर बैठा। तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तमाम चीज़ें भी इनको मुशब्बह कहा गया है, मुजस्समा कहा गया है कि अल्लाह को तशबीह देते हैं किसी चीज़ से, अल्लाह ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। नऊज़ु बिल्लाह, कोई शय है ही नहीं जिससे आप मिसाल दे सकें अल्लाह ऐसा है, कोई भी जिस्म उसके लिए आप साबित नहीं कर सकते कि उसका जिस्म ऐसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने रब्बे जुल जलाल को किस हालत में देखा? ये नहीं कि कैसा दिखता है, किस हालत में देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, मैंने मेरे रब को सबसे हसीन हालत में देखा। अब वो सबसे हसीन हालत कैसी होगी वो अल्लाह ही बताए। दूसरे पारी की आयत है, वइदा सअलक इबादी अन्नी, ऐ रसूल जब ये आपसे मेरे बारे में पूछें कि हमारा रब कहाँ है, तो आप जवाब दें, वइन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं। करीब का मतलब क्या है? ये अब अल्लाह उसके रसूल ही तशरीह करें। ताला फरमाता है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद। अकरब एक है करीब और एक अकरब, बहुत ज्यादा करीब हो तो उसको अकरब कहेंगे। रब ताला फरमाता है, मैं तो तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हूं। शहरग जो इंसान की, अगर वो एक आन के लिए रुक जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म है, वो जितनी करीब है तुमसे, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ज्यादा तुमसे करीब हूं। अब उससे ज्यादा करीब है तो अब वो कहां है ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतना है कि वो बहुत करीब है, अल्लाह करीब है। जिस्म और जिस्मानियत और मकान और मकानियत से पाक है। जो लोग यूं कहते हैं ऊपर वाला जैसा चाहेगा, वो क्या सिर्फ ऊपर वाला है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए। वो हर शय का मालिक है, उसके लिए इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग उसको मियां का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको भी मना किया गया है। अल्लाह ताला के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो उसकी बुजुर्गी को ज़ेब देते हों। अल्लाह ताला है, अल्लाह पाक है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, ये तमाम अल्फाज हैं। बुजुर्ग व बरतर खुदा, नहायत पाक मौला, ये तमाम अल्फाज के साथ उसे पुकारा जाए। अब अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाने का मतलब यही है मेरे अजीजों, कि जैसे उसकी 99 सिफात हैं, रहमान रहम करने वाला, मालिक तमाम चीज़ों का की मिल्कियत रखने वाला, खालिक पैदा करने वाला, राजिक रिस्क देने वाला, समीअ सुनने वाला, बसीर देखने वाला, हकीम हिकमत वाला, अदल इंसाफ करने वाला, मुइज इज्जत वाला, मुदिल जिल्लत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, ये तमाम सिफात का वही मालिक है। उस अल्लाह के बारे में यही अकीदा रखना होगा आपको।